नमस्ते, मैं डॉक्टर अंकित पंजाबी, वेट्रोरेटिना सर्जन, कोटा आई हॉस्पिटल। आज आपसे पर्दे के फटने के बारे में, यानी रेटिनल डिटैचमेंट के बारे में बात करूंगा। पर्दे का फटना आँख की एक सबसे खतरनाक बीमारियों में से है, और अगर इसका इलाज समय पे नहीं होता है तो आदमी पूरी तरह से अपनी दृष्टि खो सकता है। आँख के फटने के लिए आँख के अंदर जो एक विट्रियस जेली भरी हुई है, उसका डिजनरेशन होना ज़रूरी है और पर्दे में छेद होना ज़रूरी है, ताकि वो पानी पर्दे के पीछे चला जाए। एक बार अगर पानी पर्दे के पीछे चला गया तो पर्दा अपनी जगह से उखड़ जाता है। हमारी आँख एक कैमरे की तरह होती है, और कैमरे की फिल्म उसकी तरह होता है आँख का पर्दा। यदि आँख के पर्दे में कोई भी नुकसान होगा तो हमारे आँखों की अंदर कोई भी छवि नहीं बन पाएगी और हम देख नहीं पाएंगे। ये आँख का पर्दा बहुत ही नाजुक होता है और इसमें बहुत ही सूक्ष्म खून की नलियाँ होती हैं। पर्दे के फटने के समय पर पर्दा अपनी जगह से उठ जाता है और ऐसे में छवि नहीं बन पाएगी। छवि न बनने के कारण हम देख नहीं पाएंगे। आँख का पर्दा फटने के कुछ कारण होते हैं, जैसे कि यदि आपके आँख में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो पुरानी, या फिर आप मायोप हैं, जैसे आपका माइनस का चश्मे का नंबर है, तो उनके पर्दे को नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर जन्मजात हो सकता है, या आपके परिवार में किसी को पर्दा फटने की परेशानी रही हो, ऐसे केस में भी हो सकता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार पर्दा फटने के बावजूद भी मरीज को पता नहीं चलता कि उसकी आँख का पर्दा फटा हुआ है। उसकी दृष्टि अच्छी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी उनका पर्दा फटा हो सकता है। ऐसी स्थिति में डिले हो जाती है, ट्रीटमेंट देर से होता है और नुकसान हो जाता है। आँख का पर्दा अगर फट जाता है तो उसके कुछ लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि अचानक से धुंधली हो जाना नज़र का, या नज़र एकदम से कम हो जाना, कल अच्छी थी आज एकदम से कम हो गई, या आँख के आगे कुछ मच्छर मक्खी जैसे तैरते हुए दिखाई देना, जिसे हम फ्लोटर बोलते हैं। वो लाइन हो सकते हैं, वो छोटे छोटे मकड़ी के जालों के तरह दिखाई दे सकते हैं। ये चीज़ें पहले नहीं थी और अचानक से शुरू हो गई, इसका मतलब कुछ बदलाव आँख के अंदर चल रहा है। एक और चीज़ जो पेशेंट बताते हैं वो ये है कि आँख के आगे एक काली सी परछाई आ जाना, जो उनकी नज़र को एक तरफ से कम किए हुए, और वो काली परछाई गायब नहीं हो रही है। इन लक्षणों से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद पेशेंट को आँख में पर्दा फटने की बीमारी हो रही हो। अगर आपको इनमें से कोई लक्षण है तो अपने आँखों के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ और अपना पर्दा ज़रूर से चेक करवाएँ। अगर आपको इनमें से कोई लक्षण है तो अपने रेटिना डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ और पर्दे का चेकअप पूर्ण तरह से करवाएँ। रेटिना डॉक्टर आपके चेकअप के समय में डायलेटेड आई एग्जामिनेशन करेंगे, इसका मतलब आपकी आंखों में दवा डाली जाएगी, अंदर की पुतली को फैलाया जाएगा और फिर पर्दे का चेकअप होगा। इससे पर्दे का पूर्णतया चेकअप हो पाता है और ये भी पता चल जाता है कि कहीं कोई छोटी और कोई बीमारी तो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को पर्दे के फटने के साथ में मोतियाबिंद हुआ है या रक्तस्राव हुआ है। ऐसी स्थिति में ये मुश्किल हो जाता है पता करना कि पर्दा किस हद तक फटा हुआ है और किस जगह से फटा हुआ है। इसलिए फिर आपके डॉक्टर आपको बी स्कैन अल्ट्रासाउंड कराने की राय देते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि पर्दा कितनी तरह से किस तरह का फटा हुआ है। एक बार कन्फर्मेशन हो जाए कि पर्दा सच में फटा हुआ है तो उसका इलाज सिर्फ एकमात्र सर्जरी है। आजकल सर्जरी जो है वो माइक्रो इंसिजनल विट्रेक्टमी सिस्टम द्वारा की जाती है। रेटिनल डिटैचमेंट का एकमात्र इलाज इसकी सर्जरी होता है। जितने दिनों से पर्दा फटा हुआ है और जितने दिनों तक उसका इलाज नहीं होगा, उसमें रेटिना में हर मिनट हर दिन नुकसान हो रहा है, और सर्जरी के बाद भी नज़र कम रह जाने की गुंजाइश रहती है। इसलिए आपके डॉक्टर आपको जब भी राय देते हैं कि रेटिनल डिटैचमेंट हुआ है और उसकी सर्जरी की ज़रूरत है, आपको वो जल्द से जल्द कराना चाहिए। रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी में पार्श्व प्रेरणा विट्रेक्टमी की जाती है माइक्रो इंसिजनल विट्रेक्टमी सिस्टम के द्वारा, जिसमें बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो इंसिजन्स दिए जाते हैं, और उसके द्वारा सर्जरी के बाद में पेशेंट बहुत ही जल्दी अपने काम पर दोबारा जा सकते हैं। आज से 2 दशक पहले की अगर हम बात करें तो एक एक पर्दे के ऑपरेशन में 4 से 5 घंटे लगा करते थे, लेकिन अब वही समय 1 घंटे या 1.5 घंटे का रह गया है। इसकी वजह से पेशेंट का नुकसान नहीं होता है, आँख का पर्दा चिपकने के बाद में पेशेंट जल्द से जल्द अपने घर पर जाकर अपने काम कर सकते हैं, और कई केसेस में नज़र बहुत अच्छी बढ़ जाती है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि रेटिनल डिटैचमेंट एक इमरजेंसी बीमारी है और इसके इलाज में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते,
मैं डॉक्टर अंकित पंजाबी, विट्रो रेटिना सर्जन, कोटा आई हॉस्पिटल। आज आपसे बात करूंगा ARMD के बारे में, यानी कि एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, बढ़ती उम्र के साथ आँख के पर्दे में होने वाला नुकसान। ARMD जनरली 60 साल की उम्र के बाद के लोगों में पाया जाता है। जिस तरह से हमारा शरीर बढ़ रहा है, हम बूढ़े हो रहे हैं, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, बाल सफ़ेद होते हैं, उसी तरह से आँख के पर्दे के ऊपर भी उम्र संबंधी परेशानियाँ आने लग जाती हैं। इस समय छोटे छोटे दाने बनने लग जाते हैं पर्दे के नीचे, जिसको हम ड्रूसन कहते हैं। इन ड्रूसन बनने के बाद में ऑक्सीजन की डिमांड सप्लाई पर्दे में कम होने लग जाती है और नई खून की नलियाँ बनने लगती हैं। ये नई खून की नलियाँ लीक करती हैं, जिससे कि पर्दे में खून उतर आता है या पानी का कलेक्शन हो जाता है, और इस वजह से वहाँ सूजन आ जाती है और नज़र कम होने लग जाती है। जिन मरीजों को ARMD हो जाता है, उसमें से ज़्यादातर लोगों को बहुत समय बाद पता चलता है कि उनकी नज़र कम हो गई है। ARMD बीमारी दोनों ही आँखों में होती है, लेकिन एक में ज़्यादा और एक में कम। इस वजह से जब हम दोनों आँखें खोल के देख रहे हैं, तो ये पता ही नहीं चलता कि कौन सी आँख कम देख रही है। जब तक नज़र करीबन 30 से 40% कम ना हो जाए। दूसरा, मरीजों को लगता है कि उनको मोतियाबिंद हुआ है, इसलिए नज़र कम हुई है, जबकि असलियत में उनको ARMD हुआ है और इस वजह से नज़र कम हुई होती है। जब भी आपको ARMD हो जाएगा, ARMD के मरीज़ों में इसके अलावा और कोई भी लक्षण होना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए यदि आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, यदि आपको धुंधला दिखने लगा है, तो ये ना समझिएगा कि खाली मोतियाबिंद से आपकी नज़र कम हुई है, बल्कि एक बार अपने पर्दे का चेकअप ज़रूर करवाइएगा। आपके डॉक्टर आपकी आँखों में डायलेटिंग ड्रॉप डालकर पर्दे की पूरी जांच करेंगे। उस समय अगर ज़रूरत होती है तो OCT एग्जामिनेशन या FFA भी कराया जाता है। इन दोनों से हमें यह पता चलता है कि ARMD कितना ज़्यादा हो चुका है, खून की नलियाँ कहाँ कहाँ से लीक कर रही है और कितने समय तक इलाज चल सकता है। ARMD के इलाज में anti-VEGF इंजेक्शंस आँख के अंदर दिए जाते हैं। जब आँख के अंदर खून की नलियाँ लीक कर रही हैं, तो एक केमिकल VEGF उस खून को निकलने में मदद कर रहा है। ऐसे में anti-VEGF इंजेक्शन VEGF को रोकता है। आपके आँख के पर्दे की जांच, आपकी नज़र, OCT टेस्ट और FFA या फंडस फोटोग्राफी के द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि आपको इंजेक्शन की ज़रूरत कब तक पड़ सकती है। ARMD के इलाज में पहले 3 महीने तक हर महीने का एक इंजेक्शन लगाना कंपलसरी होता है। इसके बाद में बीमारी की स्थिति को देखते हुए ये डिसाइड करते हैं कि इंजेक्शन की ज़रूरत है या नहीं है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप ARMD के रोगी हैं, तो अपनी आँखों का चेकअप समय समय पर करवाएं और डॉक्टर की सलाह को ज़रूर माने। नमस्ते, मैं डॉक्टर अंकित पंजाबी, विट्रो रेटिनल सर्जन, कोटा आई हॉस्पिटल। आज आपसे बात करूँगा डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। इनमें से 30% लोगों में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी का अर्थ है कि आँख के पर्दे में खून की नलियों में नुकसान होना डायबिटीज़ के मरीजों में। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, उनकी आँख की खून की नलियों की जो दीवारें होती हैं, वो धीरे 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 कमज़ोर होने लग जाती हैं और उसमें से लीकेज शुरू हो जाता है। एक बार अगर वो लीकेज शुरू हो गया है, तो हम उस चीज़ को वापस उल्टा नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ आगे ही बढ़ता है। जिन लोगों की डायबिटीज़ को 15 से 20 साल हो चुके हैं, या उनकी डायबिटीज़ कम उम्र में हुई थी, 30 या 40, जिन लोगों की डायबिटीज़ को 15 से 20 साल हो चुके हैं, या जो कम उम्र में डायबिटिक हो गए थे, या जिनकी डायबिटीज़ कभी कंट्रोल में ही नहीं आई है, उन लोगों में ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। कुछ लोगों में डायबिटिक अच्छे कंट्रोल होने के बावजूद भी डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है, वो इसलिए कि उनको साथ में BP की बीमारी, हार्ट की बीमारी या और कोई बीमारी हो सकती है, जिस वजह से ये बीमारी बढ़ रही है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के जो मरीज होते हैं, उनमें नज़र हल्की धल्की धुंधली होने लग जाती है। समझने के हिसाब से डायबिटिक रेटिनोपैथी को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। बीच के पर्दे को असर करने वाली एक, जो पर्दे के बीच के हिस्से को असर करती है, और दूसरी जो पर्दे के बाहर के हिस्से को असर करती है। जो बीमारी डायबिटिक रेटिनोपैथी की पर्दे के बीच के हिस्से को असर करती है, उसको हम डायबिटिक मैकुलर इडिमा कहते हैं, जिसमें पर्दे के सेंटर में पानी भर जाता है और नज़र कम होने लग जाती है। यदि डायबिटिक रेटिनोपैथी में पर्दे का बाहर का हिस्सा इन्वॉल्व होता है, तो वो 4 स्टेज से गुजरती है, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। पहली और दूसरी स्टेज में मरीज़ को पता ही नहीं चलता कि कोई बीमारी है, और वो कभी डॉक्टर के चेकअप पर नहीं जा पाते हैं।
तीसरी स्टेज में आकर भी कई मरीजों को पता नहीं चलता है और वो सीधी चौथी स्टेज आते आते डॉक्टर के पास पहुंचते हैं जब नज़र पूरी तरह कमज़ोर हो चुकी होती है। यदि आप डायबिटिक हैं तो आपको कम से कम साल में एक बार आपके पर्दे की जांच जरूर करवानी चाहिए। यदि आपकी फैमिली में कोई डायबिटिक है तो उनको भी बोलिए कि वो अपने आँखों की पर्दे की जाँच नियमित रूप से करवाएँ। मरीज जिनकी कम उम्र है या जिनको डायबिटीज़ का डैमेज आँखों में शुरू हो चुका है, उनको डॉक्टर खुद सलाह देंगे कि उनको कब कब दिखाना होता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी का पता करने के लिए आपके डॉक्टर आपकी आँखों में डायलेटिंग ड्रॉप डालकर अंदर की पुतली को फैलाकर पर्दे का पूर्णतया चेकअप करेंगे। यदि आपको डायबिटिक मैकुलर एडिमा है, यानी पर्दे के बीच में सूजन आ गई है, तो आँख में इंजेक्शन दिए जाते हैं जो एंटी वेजफ इंजेक्शन कहलाते हैं। यदि आपकी आँख में ब्लीडिंग हो गई है, रक्तस्राव हुआ है या पर्दे पे ट्रैक्शनल डिटैचमेंट हो गया है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर आपको आपके पर्दे की सर्जरी की राय देंगे। अगर सही समय पे चेकअप हो जाता है और डायबिटिक रेटिनोपैथी चौथी ग्रेड में यानी प्रोलिफेरेटिव स्टेज में नहीं मिलती है, तो आपके पर्दे में गर्म सेक किया जाता है और उस बीमारी को वहीं रोकथाम कर दी जाती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के मरीजों में सबसे आम कारण जो नज़र कम हो जाने का है वो है डायबिटिक मैकुलर एडिमा। पहले के समय में इंजेक्शंस, लेज़र्स और सर्जरी की इतनी आसान सुविधाएं नहीं हुआ करती थी और कई मरीजों को अपनी दृष्टि से हाथ धोना पड़ता था। लेकिन अब इंजेक्शंस बहुत आसान हो गए हैं, लेज़र्स मशीन बहुत एडवांस्ड हो गई हैं और सर्जरी सिस्टम इतने सरल हो गए हैं कि कई मरीज़ अपनी नज़र को बचा पाते हैं। इसके अलावा आपको स्वयं अपना ख्याल रखना होगा, जिसमें आता है आपके डायबिटीज़ का अच्छा कंट्रोल। अगर आपको बीपी है या और कोई शरीर की बीमारी है तो उसका ध्यान रखना होगा। आपको एक हेल्दी लाइफ मेंटेन करनी होगी, जिसमें कि एक्सरसाइज आती है, हेल्दी खाना आता है, अन्न की मात्रा को थोड़ा कम रखना होगा, साथ ही साथ स्मोकिंग या ड्रिंकिंग को नहीं करना होगा। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जागरूक रहें तथा आपके निकटतम संबंधियों जिनको डायबिटीज़ है उनको भी जागरूक रखें। धन्यवाद।